तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ मोहन भाई को मिलने, और बाकी भाई इसमें मैंने ना समोसे और जलेबी ले ली है। तो चलो भाई मोहन भाई के पास जाते हैं और वहीं पे इंजॉय करते हैं थोड़ी देर। 480 रुपये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी देने। हाँ जी, तो बाकी भाई पार्सल मिल चुका है, ये बुक जा रही है यहाँ से। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो बाकी भाई अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम 1:30 बज रहा है अभी। तो भाई मेरे पास पहली राइड आ चुकी है भाई, द्वारिका सेक्टर 21 की भाई। तो भाई मैं ग्रोम पे ही था, खाना पीना खाया भाई, तो राइड आ गई थी भाई। देखो राइड भी क्या हुआ पता है भाई, राइड आई तो ऑर्डर मिस दिखा रहा था, उसके बाद भाई मैंने सोचा राइट नहीं बचती है, तो भाई मैंने उसको एक बार ना रिसेट मार के किया तो भाई वहाँ पे शो कर रहा है फिर कि मेरी राइट भाई, जो राइड मैंने कैंसिल ऑर्डर मिस करा था ना, वो राइड मेरे पास आ चुकी है। तो भाई फिर उसके बाद मैंने ली राइड ये। तो बाकी भैया अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप लोकेशन पे, बाकी कापाछड़ा से ही जा रही है, इधर पास में ही है। तो बाकी भाई देखो अपनी बिल्लोरानी के मीटर की बात करो तो भाई 31,175 किलोमीटर चल चुकी है। और बाकी भैया देखते हैं भाई, देखो 1:30 बजे निकल रहा हूँ, आज 10-11 बजे तक करूँगा काम भाई, क्योंकि आज ज़्यादा लेट हो गया। तो देखते भाई कैसा रहता है आज का दिन, क्या जाता है भाई, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कल आ रहा है भाई, देखो पार्सल में क्या जाएगा अभी पता चल। हाँ जी, ये इसकी पेमेंट वहीं होगी। चलो ठीक है, नहीं हो गया। अबे यार भाई पार्सल मिल चुका है, और बाकी तुम्हें अब दिखा दूँ मैं डिस्टेंस कितना है। तो भाई डिस्टेंस देख लो कितना है भाई, 165 रुपये की ये राइड है, और ट्रिप को स्टार्ट करके भाई देख लो डिस्टेंस भाई 12 किलोमीटर दिखा रहा है और 26 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट। भाई पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर, बाकी एक बार कॉल कर लेता हूँ भैया भाई, यहीं पर डिलीवरी कर पोर्टर से। भाई पेमेंट हो चुकी है, बाकी डिलीवरी भी मैंने कर दी भाई, पेमेंट ऑनलाइन पेड है 165 रुपये, ट्रिप को एंड 5 स्टार के साथ डन। तो भाई अर्निंग दिखा देता हूँ भाई, इसमें मुझे कितने मिले भाई, 132 रुपये मिले मुझे 12 किलोमीटर के। देख लो भाई हेलमेट ना बार बार गिर रहा है यार, वो भाई ये लो टूट भी गया। अबे यार सच भाई, ये हेलमेट मेरा भी नहीं है यार, दूसरे का था टूट गया यार। भाई 92 रुपये की राइड मेरे पास फिर से आ चुकी है भाई, महावे इनक्लेव से। तो पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा दूँ कितना है, 800 मीटर पिक 850 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा। तो चलो भाई करते हैं कंप्लीट। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और भाई ये जा रही है द्वारिका सेक्टर 3। तो बाकी भाई कॉल करते हैं एक बार, भाई सामने है यार इधर ही, देखते हैं भाई यहाँ से क्या जाएगा पार्सल। भाई तो दुकान है ही, दुकान से क्या जा रहे हैं, अच्छा ये क्या जा रहा राशन। अच्छा तो इसकी पेमेंट वहीं होगी, चलो ठीक है भाई। तो बाकी भाई ट्रिप को स्टार्ट कर देता हूँ, ये लो और डिस्टेंस देख लो यार भाई कितना दिखा रहा है, 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर दिखा रहा है यार, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं दिखा रहा है यार। पहुँच चुका हूँ लोकेशन पर, और बाकी भाई अपार्टमेंट है, अंदर जाना है। तो भाई वहाँ की फाइनल डिलीवरी कर दिया, 92 रुपये की ये राइड थी, और बाकी ट्रिप को एंड करते हैं 5 स्टार के साथ डन। तो देखो भाई 5.5 किलोमीटर मुझे कितने मिले यहाँ पे दिखा दूँ तुम्हें, अबे खुल जा सिम सिम भाई, 73 रुपये मुझे मिले 5.5 किलोमीटर, चलो सही है भाई। तो अर्निंग 205 रुपये, चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। सेक्टर 102 उत्तम नगर से जा रही है यार, गुड़गांव की राइड है ये भाई, गुड़गांव की राइड लेना भाई रिस्की है एक तरफ से। तो बाकी देखते हैं यार, कोई बंदा नहीं लेगा तो फिर लेना ही ले, चलो ले लिया यार भाई। अभी मेरे को ना गुड़गांव की राइड नहीं चाहिए भाई, मैं फिर गुड़गांव में अटक जाता हूँ भाई पूरा। भाई फिर से राइड आने वाली है, 177 रुपये की राइड भाई, द्वारका सेक्टर 13 से जा रही है। अरे यार इतनी छोटी छोटी राइडें क्यों आ रही हैं भाई, कीर्ति नगर की राइड है ये भाई, कोई तो ले लो भाई, जब नहीं लेगा ना बंदा कोई तो ही मैं लूँगा। अभी ले लो यार, ये लो भाई मैंने ले ली। तो चलते हैं भाई यार, क्या कह रहे भाई, कोई बंदा ले ही नहीं रहा है तो लेनी पड़ी। तो भाई 800 मीटर पिकअप दिखा रहा है यार, भाई कहाँ से जा रही है ये टावर वे भाई, 800 मीटर सुबाद अपार्टमेंट है ये, तो वहाँ से जा रही है यार, 800 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। आ चुका हूँ मैं सुबाद अपार्टमेंट, हाँ सुबाद यही तो है, सुबाद अपार्टमेंट पर। और बाकी भैया
अरे भाई यहाँ पे एंट्री फिर से करवानी पड़ेगी मुझे, एंट्री करवाओ फिर उसके बाद भाई पार्सल लेके आता हूँ, उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ कि पार्सल में क्या जाएगा। बाकी भाई पार्सल मिल चुका है, ये बुक जा रही है यहाँ से, और बाकी भाई तुम्हें डिस्टेंस दिखा देता हूँ भैया कितने हैं। तो देख लो भाई, तो ट्रिप को स्टार्ट डिस्टेंस देख लो, ये लो भाई भाई 13 किलोमीटर दिखा रहा है और 33 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन हो रही है यहां पे राइट साइड में एंड। भाई देखो भैया ऊपर से भाई नीचे ही आ रहे हैं, बाकी इस ट्रिप को एंड कर देता हूं फॉर, देखते हैं भाई अबे एंड हो जा। ऑनलाइन पेड नहीं है भाई, एक 177 जाओगे कि मैं दोबारा बुक करूं? यही लेके जाना है? यही भाई जानी, सारी सारी। हाँ लेके चला जाऊँगा। हाँ लोकेशन ले लो मुझे, कितनी हो गई? ठीक है 177। लोकेशन आ जाए मैं, ठीक है एक बार देख लो लोकेशन, किलोमीटर देख लूँगा ना मैं। हाँ लोकेशन मंगा, ठीक है ठीक है, यही जाएगा ना ये पार्सल सब जितना ये लेके आया सर, ये पूरा पूरा सेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भाई इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ और 5 स्टार के साथ डन करूँगा भाई, यही पार्सल जाएगा नोएडा। तो बाकी भाई पोर्टर की आईडी मैं ऑफलाइन कर देता हूँ भाई, क्योंकि ये नोएडा जाएगा ना यहाँ से। भाई रस्सी से जुगाड़ करके जा रहा है पूरा, देख रहा हूँ ठीक है। देखो फाइनली मैंने भाई देखो यही पार्सल भैया, देखो ये बुक थी, ये बुक है और छोड़नी है कहाँ पता है? अरे कहाँ से जा रहा है यार ये, तो इधर जा रहा है। तो भाई यही बुक है, छोड़नी है भाई नोएडा सेक्टर 19। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी नोएडा सेक्टर 19, और बाकी भैया देखो वहाँ से भाई राइड मुझे मिल जाएंगे मुझे पता है भैया। बाकी चलते हैं भाई करते हैं इनकी डिलीवरी। देखो मैं यहाँ पे आया था, यहाँ से सीधा मेरे को भेज रहे हैं भाई नोएडा सेक्टर 19। तो भाई देखो 27 किलोमीटर दिखा रहा है, 51 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। बाकी भाई 350 रुपये बोल रखा है मैंने, तो वो बोल रहे भाई थोड़ा डिस्काउंट कर देना। मैंने कहा चलो कोई ना यार 300 रुपये भी कर देंगे तो भी सही है भाई, 10 रुपये पर किलोमीटर पड़ जाएगा। तो चलते भाई करते हैं इसकी डिलीवरी। चलो भाई अभी भैया का ही कॉल आया था भाई कि पोर्टर में दिखा रहा है 288 रुपये भाई, 27 किलोमीटर के 288 रुपये दिखा रहा है बोल रहे हैं। तो बाकी भैया देखते हैं यार कितना करते हैं वो। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और बाकी भैया 110 मीटर दिखा रहा है भैया भाई 392 भाई, इसको दे देते हैं यार भाई ये बुक है, देखो यहीं पर डिलीवरी करनी है। चलो भैया यही है, तो बाकी भाई डिलीवरी कर दी, अब पेमेंट मंगा लूँ मैं अपनी, हो चुकी है। और बाकी दिखा दूँ तुम्हें पेमेंट कितनी भाई, यहाँ पे देखो ये 300 रुपये आ गया यार भैया ने, 27 किलोमीटर के 300 रुपये कर दिए। बाकी भाई अब पोर्टर की आईडी मैं ऑन कर लूँ, ये लो भाई मैंने पोर्टर की आईडी ऑन कर लिया भैया। बाकी भाई देखो ये 300 रुपये, 347 रुपये की अर्निंग इसमें हो रही है मेरी पोर्टर में, और 300 रुपये आ गए, 3,647 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। तो चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। भाई देखो सेक्टर 18 से सेक्टर 61 की राइड आ रही है यार, मैं जब कोई नहीं लेगा ना तो ही मैं लूँगा। अभी ले लो भाई, अबे यार लेनी पड़ी देखो। तो चलते हैं भाई, 100 कितने की रुपये है यही राइड भाई, ये राइड है 110 रुपये की राइड है यार। तो करते हैं भाई पिकअप, दिखा दो डिस्टेंस कितना है भाई। भाई 6 मिनट 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है हूँ लोकेशन पे, बाकी पार्सल बात करा दीजिएगा, पेमेंट मैं ही करूँगा कस्टमर से। अरे पेमेंट आप करोगे ना, लो बार कोड की फ़ोटो खींच लो, बात करा दीजिएगा। ठीक है ठीक। तो भाई पार्सल मिल चुका है, डिलीवरी करनी है तो चलते हैं भाई करते हैं डिलीवरी। और बाकी तो मैं डिस्टेंस दिखा दूँ, क्या डाल देता हूँ भाई डिस्टेंस देख लो कितना है भाई। ट्रिप को स्टार्ट, ये लो भाई तुम्हारे सामने दिखा देता हूँ भाई, 11 मिनट लगने वाले हैं भाई, 6.5 किलोमीटर दिखा रहा है यार। तो सही है भाई चलो करते हैं इस राइड को कंप्लीट। पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे, बाकी लोकेशन तो एंड यहीं पे दिखा रहा है यार, इसके अंदर तो नहीं है भाई। ढूंढते ढूंढते पहुँच चुका हूँ मैं डी ब्लॉक पे, और यहीं पे डिलीवरी करनी है यार, घंटी का है। इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ और पैसे मंगा लेता हूँ यार। पार्सल हो गया डिलीवर, कॉल कर लो एक बार। तो भाई पेमेंट के लिए मैंने बोल दिया बाकी ट्रिप को एंड और 5 स्टार के साथ डन। तो भाई अर्निंग दिखाऊं भाई इसमें कितने मिला मुझे, देखो दिखाता हूँ यार भाई 435 रुपये के, अरे यार 68 रुपये के 16 से 16। अरे ले लो यार ले लो,
ले लो भाई, 68 रुपये की राइड है भाई, ये 1 किलोमीटर होगा, इसको भी कर लेते कंप्लीट, क्या करें भाई। ओ भाई ये क्या है, अबे क्या दिखा रहा है, 8 किलोमीटर पिकअप। एक मिनट, ओ भैया भाई ये जा रही है सेक्टर 16 से, मैं कितने में हूँ अभी। ओ भाई ये तो मैंने कहाँ की राइड ले ली मैंने, अबे यार मेरा भी माइंड ना, सेक्टर 61 में हूँ मैं सोच रहा हूँ सेक्टर 16 में हूँ यार भाई, इसलिए मैंने ये राइड ले ली भाई। अब दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो भाई ये राइड दिखा दो भाई, 17 मिनट लगने, 8 किलोमीटर दिखा रहा है पिकअप डिस्टेंस पे। देखो मैंने कस्टमर से बोल के भाई राइड को कैंसिल करवा दी है, और बाकी भाई देखो मैंने कॉल सपोर्टर में भी कॉल किया भाई, 8 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस होता है, 8 किलोमीटर से ऊपर नहीं लेके जा सकते। बाकी भाई ये 9 किलोमीटर दिखा रहा है, 8.5 किलोमीटर, तो बाकी मैंने कैंसिल करवा दिया भाई, कैंसिल हो गया। अभी देखना कहूँ अभी नोएडा सेक्टर 8, बाकी भाई 4-5 किलोमीटर था वहाँ से, तो मैं ही मैं आ गया। तो बाकी भैया देखो ये इंडस्ट्रियल एरिया है ये, तो देखते हैं भाई यहाँ से राइड मुझे कहाँ के लिए मिलती है। भाई मैं तो चाहता हूँ भाई गुड़गांव की राइड मुझे मिल जाए। अभी मैं जा रहा हूँ मोहन भाई को मिलने, और बाकी भाई इसमें मैंने ना समोसे और जलेबी ले ली है, तो चलो भाई मोहन भाई के पास जाते हैं और वहीं पर इन्जॉय करते हैं थोड़ी देर, मोहन भाई से भी मिलेंगे भाई सेक्टर 8 में। भाई देखो जब भी मैं आता हूँ ना यहाँ पे सेक्टर 8 में, जब भी मैं आता हूँ तो हमेशा मैं मोहन भाई से मिल के ही जाता हूँ। तो बाकी भैया देखो मोहन भाई की कंपनी ना एकदम पास में ही है यार, ये देखो, और यहाँ पे हमारे मोहन भाई भी है, अभी तो काम ही कर रहा होगा शायद वो, तो कॉल कर लेता हूँ मोहन भाई को। भाई आ गया है मोहन भाई हमारे, और ठीक चला बताओ ठीक ठाक है, और कब ले रहे तैयारी घर के जाने की। अच्छा ले यार पहले रहो इन खुल, तो भाई अब हम लेंगे भाई समोसे का आनंद, और माँ के भैया फिर देखते हैं राइड का। फाइनली मैं यहाँ से निकलूँ, चलो ठीक है यार पे, हाँ फिर मिलना ठीक है। तो देखो भाई मैं यहीं पे था मोहन भाई के, तो भाई फाइनली भाई मैं जा रहा हूँ मोहन भाई को मिल के। बाकी भैया देखो मेरे पास एक राइड आ चुकी है भाई, ये राइड बताओ कहाँ जा रही है, अबे इधर से दिखा रहा है, तो भाई ये राइड जा रही है गाजियाबाद की राइड मैंने ले ली है, 256 रुपये की समथिंग राइड है, और बाकी सेक्टर 12 से जा रही है भाई। तो चलते हैं यार करते हैं पिकअप, और फिर उसके बाद चलते हैं भाई गाजियाबाद। भाई गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया जा रही है, तो इसीलिए मैंने गाजियाबाद की ले ली है। तो बाकी भैया देखते हैं यार वहाँ से राइड मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं यार, यहाँ पर मैंने इतने ऑर्डर मिस कर दिया ना भाई, 75 रुपये, 75 रुपये, 70 रुपये की राइडें आ रही भाई, मेरा उसमें टाइमर भी लग चुका है, स्कोर भी थोड़ा बहुत गिरेगा मुझे पता है। तो बाकी कोई बात नहीं यार भाई, राइडें ऐसी ऐसी आ रही थी यार क्या करता मैं। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे हो रही है भाई, जो इनकी पिकअप लोकेशन है वो इन्होंने सेक्टर 12 की डाल रखी है, और मेरे को बुला रहे हैं सेक्टर 22 में है। भाई तो कह रहे हैं कि भाई गलती हो गई थी, गलती से डल गया था सेक्टर 12। तो बाकी भैया मैंने पोर्टर कॉल सपोर्टर में कॉल कर, देखो भाई अब देखना भाई फेयर बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, वो मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा, पर तो भाई फेयर तो बढ़ता नहीं है भाई, और ऐसे ही भाई वो पोर्टर कॉल सपोर्टर में जो बैठे होते हैं ना भाई, वो ऐसे ही बोलते हैं भाई फेयर बढ़ेगा, बढ़ता कुछ नहीं है। मुझे बुलाया कृष्णा ज्वेलर से यार, भाई इतना घुमा रहा है ना ये बंदा यार बहुत ज़्यादा, कृष्णा ज्वेलर से भाई। अरे भैया कृष्णा ज्वेलर से कहाँ पे है, सामने। अरे यार इतना घुमा दिया यार तूने, अरे बता तो भाई तू ये पहले बोल, मैं यहाँ से यहीं से होते हुए गया था मैं आगे को, तो क्या है इसमें, इसमें कागज है भैया। अच्छा तो इसकी पेमेंट कौन करेगा, वहीं करेंगे। चैनल का नाम बताओ, सब्सक्राइब द UK03 ब्लॉक। एक तो लोकेशन अलग गलत डाल रखी थी, तो बाकी भाई ये डॉक्यूमेंट ही जा रहे हैं यार। तो चलो भाई ट्रिप को कर दूँ स्टार्ट, ये लो भाई ट्रिप को स्टार्ट, और देख लो यार डिस्टेंस देख लो कितना है यहाँ से, 45 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें भाई, 18 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से 22 किलोमीटर, तो भाई 18 किलोमीटर से कंप्लीट करता हूँ, 18 किलोमीटर दिखा रहा है और 45 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर, और बाकी भैया गेट नंबर 2 यही है, ये लो 239 पेमेंट होगी, बाकी डिलीवरी भी कर दी, इस ट्रिप को एंड करता हूँ और 5 स्टार के साथ डन करूँगा। ओ भाई ये लो टाइमर भी हट चुका है भाई, अगर अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग 626 रुपये की पोर्टर में हो चुकी है, बाकी 300 रुपये मेरा एक्स्ट्रा है भाई। और टाइम की बात करो, टाइम भी देख लो यार भाई, 5 घंटे 18 मिनट, 5 ट्रिप कंप्लीट हो चुकी हैं। तो चलो भाई नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। फाइनली मैंने एक राइड और ले ली भाई, 243 रुपये की ये राइड है, और बाकी ये भाई ये जा रही है राजनगर से, और
ये कहाँ जा रही है भाई? भाई प्रेमनगर, राजनगर से प्रेमनगर जा रही है, गाजियाबाद से गाजियाबाद ही जा रही है भाई, और उत्तर प्रदेश की है ये। तो बाकी भैया चलते हैं, और पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा दूँ कितने हैं भाई। पिकअप डिस्टेंस देख लो यार भाई, 2.3 किलोमीटर दिखा रहा है पिकअप डिस्टेंस। तो चलो भाई कंप्लीट करते हैं इस राइड को। पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन एंड तो भाई इसके अंदर दिखा रही है। चलो भाई करते हैं पिकअप ना, यहाँ पे फ्लैटे हैं तो भाई मैं लेके आता हूँ, और उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ भाई पार्सल क्या जाएगा। फाइनली पार्सल मिल चुका है, पार्सल देख लो भाई। भाई बंदे ने बोला है भाई, देखो मैं फ्लैट है भाई, ये फ्लैट से लेके आया हूँ, तो भाई इसमें मेडिसिन बोला हुआ है। तो बाकी भैया देखते, देखो भाई पैकिंग ये पूरा लपेट रखा है भाई कागज़ से और बाहर से पन्नी से भाई। तो भाई ये दिखा रहा है ना 19 किलोमीटर और 44 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट। पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पर दिखा रही है। चलो उनका तो कॉल नहीं लग रहा है, पार्सल पेमेंट कर दो 243 रुपये भाई। यहाँ पे देख लो प्रोटीन के डब्बे सारे, स्कैनर दूँ, ये लो इस पर कर दो। तो भाई देख लो ये मेन रोड पे भाई। देखो एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई, मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब मैं वो छोटी लाया था ना भाई पैक करके, डब्बी सी छोटी सी दिख रहा था ना भाई, वाइट वाले पन्नी से मतलब कागज़ से पैक कर रखा था, वो चीज़ कर रखा था भाई। देखो बहुत बंदों के माइंड में चला होगा भाई कि भाई इसमें भाई कुछ गलत आइटम जा रहा है बेचारा। देखो भाई जिम के अंदर दे के आया हूँ भाई, कोई गलत चीज़ नहीं है, बाकी भाई सैंपल होगा किसी न किसी चीज़ का भाई। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जिम के अंदर यहाँ पे प्रोटीन वोटीन मिलता है भाई, और वहाँ पे देके आया हूँ देख लो। और बाकी भैया इस ट्रिप को एंड करता हूँ और 5 स्टार के साथ डन करता हूँ इसे। तो भाई अर्निंग दिखा दूँ भाई, 820 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, बाकी 300 रुपये मेरे जो मैं कैश में लेके गया था भाई बिना पोर्टर के। तो भैया चलो नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करते हैं। आपके पास राइड आ चुकी है 145 रुपये की भाई, ये जा रही है मुस्तफाबाद से भाई, ये जा रही है राजीव नगर, न्यू दिल्ली की राइड है। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। बाकी पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा दूँ कितना है भाई। भाई 1.2 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा, पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे हो रही है। पार्सल मिल चुका है, बाकी भाई ये रोल है यार, तो इसी की डिलीवरी करनी है मुझे। तो चलो भाई करते हैं इसकी डिलीवरी भाई। पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा दूँ कितना है भाई। भाई इसको तुम्हें यहीं पर खड़ा ही रखना पड़ेगा, नहीं ऐसे रख देता हूँ, हो जा मेरे भाई। ये लो भाई डिस्टेंस देख लो यार भाई, 7.5 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और बाकी भाई लोकेशन तो एंड यहीं पे हो रही है। चाह पियो भाई, ये भी पहुंच चुके हैं देख लो। ये लो भैया भाई पेमेंट हो चुकी है, डिलीवरी भी मैंने कर दी भाई, और बाकी भैया इस ट्रिप को एंड कर देते हैं यहाँ पे। तो चलो भाई करते हैं इस ट्रिप को एंड, और 5 स्टार के साथ डन। तो भाई अर्निंग दिखाऊं भाई, अर्निंग देखो तो भाई 936 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई 5 घंटे 44 मिनट 7 ट्रिप कम्प्लीट। तो चलो भाई करते हैं नेक्स्ट ऑर्डर का वेट। 4 गाजियाबाद की मेरे पास राइड आ रही है भाई, मैं अभी गाजियाबाद से ही आ रहा हूँ, फिर से गाजियाबाद से राइड आ रही है भाई। ये भाई है गगन बिहार से, तो राइड भाई मिस करूंगा यार, क्योंकि वहाँ से राइड नहीं मिल रही भाई, बड़ी मुश्किल से मैं निकला हूँ वहाँ से, और बाकी फिर गाजियाबाद की राइड दे रहा है यार। भैया मैं अभी यहाँ से, तो भाई मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो भैया क्योंकि राइड वाइड तो भाई आ नहीं रही है, दिल्ली की राइड है यार, दिल्ली की। अभी हूँ मैं दिल्ली में ही, पर लेकिन भाई गुड़गांव साइड की नहीं मिल रही है, कापाछड़ा मैपालपुर उस साइड की राइडें नहीं मिल रही हैं। तो बाकी भैया मैंने घर की लोकेशन डाल लिया, भाई रास्ते से राइड मिलेगी तो ले जाऊंगा भाई। यहाँ से 35 किलोमीटर है यार देख लो। फाइनली मेरे पास एक राइड आ चुकी है भाई, देखो अभी टाइम के बाहर तो 10 बज रहा है यार देख लो। 480 रुपये की ये राइड है भाई, ये जा रही है फरीदाबाद। तो भाई मैंने फरीदाबाद की राइड मैंने ले ली है। तो भैया और पता भाई जा कहाँ से रही है पता है? ये आ रही है राहुल गार्डन से, और फरीदाबाद की मैंने राइड ले ली भाई। पिकअप डिस्टेंस भाई कितना दिखा रहा है पता है भाई? 6 किलोमीटर नहीं 5.5 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। और
भाई इतना लंबा पिकअप डिस्टेंस दे दिया ना, बहुत ही ज़्यादा भाई। तो चलो भाई करते हैं यार इस राइड को कम्प्लीट। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे, और बाकी भैया लोकेशन तो यार यहाँ से दिखा रही क्या? अच्छा पेंड्राइव जाएगा और इसकी पेमेंट पेमेंट और एक मिनट ठीक है, हाँ दे देना। हाँ भैया पेमेंट वहीं पे करेंगे आपका। ठीक ट्रिप जा रही है, और बाकी तुम्हें डिस्टेंस दिखा दूँ कितना है भैया? भाई ये देख लो ट्रिप स्टार्ट और डिस्टेंस देख लो यार भाई, 45 किलोमीटर दिखा रहे हैं और 1 घंटा 13 मिनट मुझे लगने वाले हैं। तो चलो भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट। और बाकी भैया ये छोटी सी पेन ड्राइव जा रही है यहाँ से फरीदाबाद, बाकी भाई 45 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटा 13 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो भाई करते हैं इस राइड को कम्प्लीट, उसके बाद मैं वहीं से घर चला जाऊँगा। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं फरीदाबाद बाकी लोकेशन पे। तो भाई करते हैं कॉल एक बार। एक कॉलोनी है, तो भाई इस कॉलोनी के 4-5 गेट हैं, तो भाई सारे गेट बंद हैं यार, सिर्फ एक गेट खुला है 1 नंबर वाला। तो भाई देखो इतना घूम के आना पड़ा ना भाई, पूछो मत यार, इसी में इतना टाइम लग गया मेरा यार। और फेयर देखना कुछ भी नहीं बढ़ेगा भाई, 2 किलोमीटर मैं चल गया हूँ अभी, एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर देखना अभी फेयर कुछ भी नहीं बढ़ा होगा। तो भाई मुझे जाना है 2nd फ्लोर पे, और बाकी चलते हैं और देखते हैं भैया। भाई यहाँ पे ना शादी चल रही है मेरे को लग रहा, देखो ये पहले तो पेन ड्राइव जा रही है और बाकी ट्रिप को एंड कर दूँ। चलो भाई 2nd फ्लोर पे आ जाओ ना, मैं आ गया उस 2nd फ्लोर पे। नहीं नहीं हाँ जी हाँ जी, निक्कू बुला दो एक बार, निक्कू हाँ जी। पेमेंट भी करनी है, पेमेंट भी करनी है हाँ जी। 480 भाई शादी हो रही है यहाँ पे, भैया शादी हो रही है ना, 480 रुपये हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देने हाँ जी वीडियो बनाते हैं ना, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे डालते हैं। ठीक है थैंक यू भैया भाई ओके बाय सज्जे थोड़ा सा। तो बाकी भाई पेमेंट हो चुकी है और 500 रुपये का नोट मिल गया भाई, इस ट्रिप को एंड और 5 स्टार के साथ इसे डन कर देते हैं। तो भैया अगर अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग देखो, अरे भाई पैसे भाई 12 बजे ना, 12 बजे के बाद तो भाई तुम्हें पता है भाई अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। फाइनली मैं यहाँ से निकल चुका हूँ भाई रूम के लिए, बाकी अगर पोर्टर में अर्निंग की बात करो भाई 1320 रुपये की पोर्टर में अर्निंग हो चुकी है, बाकी 300 रुपये मेरे भाई जो बिना पोर्टर के मैं लेके गया था नोएडा। तो भाई अगर इन दोनों को जोड़ देते वाले 1600 रुपये की अर्निंग हो रही है और बाकी 20 रुपये मेरे एक्स्ट्रा हो गए भाई, 1640 रुपये की समथिंग अर्निंग हो रही है भाई। तो चलते हैं भैया, अभी देखो यहाँ से कितना 33 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से कापाछेड़ा फरीदाबाद से। तो भाई मैंने घर की लोकेशन लगा दी है, तो बाकी भाई चलते हैं और मिलते हैं तुम्हें भाई सीधे रूम पे। फाइनली जाते टाइम देखो हनुमान जी के दर्शन हो गए, जय हनुमान जी भाई, हनुमान जी के दर्शन हो गए जाते टाइम। पहुँच चुका हूँ मैं रूम पे, और बाकी भाई टाइम की बात करो तो टाइम देखो यार भाई 12:55 हो रहे हैं, 1 बजने वाला है। और अपनी बिल्लू रानी के मीटर की बात करो तो भाई 31,403 किलोमीटर चल चुके हैं, बाकी भाई अंदर पार्किंग कर देते हैं। फाइनली मैंने कल का ब्लॉग एंड नहीं किया था, अगर कल की पोर्टर में अर्निंग की बात करो भाई 1320 रुपये की अर्निंग पोर्टर में अर्निंग हुई थी, और बाकी भैया देखो 20 रुपये मेरे एक्स्ट्रा भाई जो 500 रुपये दिया था उन्होंने, जो 480 रुपये की राइड थी भाई। अगर और एक राइड में लेके गया था भाई बिना पोर्टर के भाई नोएडा 300 रुपये में, तो भाई इनको जोड़ दे देना 1640 रुपये की समथिंग अर्निंग हो रही है, जिसमें से भाई 410 रुपये का पेट्रोल करने भाई 410 भी पेट्रोल नहीं लगा होगा, तो बाकी भैया 1230 रुपये मेरी कल के दिन पे सेविंग होगी। तो बाकी भाई देखो कल रात में देखो नोएडा के वहाँ के फरीदाबाद की राइड मिली ना मैंने भाई, मैंने ले ली देखो वहाँ से भी 40 किलोमीटर पड़ा था, वहाँ से भी 40 किलोमीटर भाई, मैंने कहा क्यों ना भाई राइड का राइड मार के क्यों ना मैं घर चला जाऊँ। तो भाई ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई अभी के टाइम पे ना, नाइट में मतलब जैसे 9-10 बजते हैं ना भाई बहुत ज़्यादा ठंडा खराब, बहुत ठंडा होता है, हालत ख़राब हो जाती है
पूरी, सच में कह रहा हूँ भाई। और जितने भाई लोग मेरे फील्ड पे काम कर रहे होंगे ना भाई, उन लोगों को ही पता होगा कि भाई ठंड अभी कितनी हो रही है, हवा कितनी तेज लगती है यार। और बाकी भाई पैक पैक तो हम फुल हो ही रहते हैं, बाकी जैकेट ऊपर नीचे से सब कुछ, तो भाई फिर भी बहुत ज़्यादा ठंडा लगता ही है यार भाई, तुम्हें पता है हवा चलती है और बाकी भैया ठंडे से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। फील्ड पे सही चल रहे हैं तो अर्निंग सबकी भाई मेरी तो हो जाती है भाई, हमेशा जब भी जाता हूँ मैं फील्ड पे भाई अर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। बाकी भाई लोगों का पता नहीं भाई, कई बंदे भाई कमेंट करते हैं कि भाई हमारी तो 1200-1300 रुपये अर्निंग होती है, तो आप लोगों की ऐसे क्यों जाती है भाई। देखो राइड, हर राइड कंप्लीट करनी है, राइडें छोड़नी नहीं है भाई। मैं भी कभी कभी राइडें मिस कर देता हूँ ना, तो वोटर मेरे को बैठा देता है, तो भाई फिर राइड नहीं मिलती। तो भाई राइड को मिस मत करो, हर राइड कंप्लीट करो, एक राइड को भी छोड़ो मत भाई, तुम्हारी अर्निंग जो है ना अच्छी खासी हो जाएगी वो। तो बाकी भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा गाइस तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो जल्दी आप तक पहुंचे। बाय बाय।